हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट जेएस के यूज रेफ हुक के बारे में। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है और ऐसे इसके बहुत सारे अलग अलग वीडियोज आएंगे, एक सीरीज में आएगा। ठीक है, 7 8 10 वीडियोज जिसमें कि हम लोग अलग अलग चीजों को, अलग अलग टॉपिक को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है, और हल्का हल्का करके समझेंगे ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, जैसे कि थोड़ा थोड़ा अगर खाना खाएंगे तो भाई पेट भी भरता रहेगा, लेकिन एक ही बार में खाएंगे तो भाई अनपच हो जाता है और डाइजेशन इशू होने लगता है ना, ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाता है जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो चीजों को लिमिट में अगर करेंगे, सीखेंगे, खाएंगे तो मतलब बढ़िया रहेगा। ठीक है, कि समझ रहे। तो अब जो हम लोग यहाँ पे आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के यूज रेफ हुक के बारे में। ठीक है, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर ओपन कर लेना, बस इसी लाइन को समझेंगे। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे यार क्या मजाक है यार, बस एक लाइन को समझने के लिए मतलब एक वीडियो देखे, मतलब क्या। ठीक है, लेकिन अब जितना, जैसे बोले ना, जितना कम समझेंगे स्टार्टिंग में ना उतना आपके लिए मतलब बेहतर है। मतलब कम समझे लेकिन अच्छे से समझे, मेरा कहने का मतलब ये है। पूरा तो समझना है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बताऊंगा, कवर करूंगा पूरा डॉक्यूमेंटेशन, एक एक चीज कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर कम से कम भी सीख रहे हैं तो अच्छे से समझे, ना कि हमें फिर भी वो चीज समझना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे, ऐसा नहीं कि भाई हम बोल देंगे ऐसा है तो ऐसा है, अब ऐसा क्यों है वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ इस लाइन को पढ़ते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि यूज रेफ, ठीक है, जो कि हुक का नाम है, इज अ रिएक्ट हुक। तो भाई इसका आप यहाँ तक तो समझ में, इतना पढ़ के समझ में ये आता है कि भाई यूज रेफ जो है रिएक्ट जेएस का हुक है। ठीक है, दैट लेट्स यू रेफरेंस ए वैल्यू। ठीक है, मतलब इसका मतलब जो मेरे को समझ में आया कि भाई ये आपको वैल्यू को रेफरेंस करने देता है, यानी कि ये समझ लो कि उसको स्टोर करना या पकड़ना, ऐसा ही कुछ बोल सकते हो। ठीक है, वैल्यू को जैसे रेफरेंसिंग नहीं होता सी प्लस प्लस में, कि रेफरेंसिंग हम लोग बोलते हैं जैसे पॉइंटर्स वगैरह, अब यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल, जो वर्ड है ना रेफरेंस का मतलब होता है। ठीक है, जैसे आप फंक्शन में बात करते हो कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस जो वर्ड है, आप समझ रहे हो। तो यूज रेफ जो है एक भाई रिएक्ट का, रिएक्ट जेस का हुक है जो कि वैल्यू को रेफरेंस करने देता है। तो एक तरह समझ सकते हो लिंक करने, ऐसा कुछ समझ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या करने देता है, इसके बाद का लाइन पढ़ोगे तो भाई हंसी आएगा। दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग। अरे भाई रेंडरिंग के लिए अगर काम नहीं आएगा तो फिर हम उसको मतलब क्यों यूज करेंगे। अगर हम लोग कुछ भी यूज करें तो उसको रेंडर ही तो करते हैं भाई, है ना। रिएक्ट जेएस में कुछ भी यूज करते हैं, रिएक्ट छोड़ दो भाई, एंगुलर वेंगुलर व्यू या बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट देख लो, कहीं पर भी अगर हम लोग कुछ लिखते तो ऑब्वियसली उसको रेंडर करने के लिए करते हैं भाई। तो फिर क्या बात, मतलब क्या मतलब हो गया भाई, क्या मजाक चल रहा है ना। मतलब भाई इसका क्या मतलब बनता है, दैट्स नॉट नीड भाई। ये पढ़ के हंसी आएगा या फिर तुमको मतलब गूज़बम्प्स नहीं, बहुत अचंभा अचंभा सा होगा कि भाई ऐसे कैसे कि रेंडरिंग के लिए यूज नहीं है तो फिर हम क्यों यूज करेंगे इसको, है ना। तो भाई इसके बहुत सारे यूज केसेस है, हम लोग समझेंगे, लेकिन इसका क्या मतलब होता है एक्चुअल वो समझते हैं। देखो एक तो होता कि कोई चीज़ समझ के बहस करने लग जाओ, नहीं भाई ये गलत है, ऐसे वैसे, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, और एक ना आप उसके पॉजिटिव साइड को देखते हो कि ये ऐसा है क्योंकि ये इसलिए ऐसा है, ऐसा वाला, समझ रहे हो। अभी देखो बताते हैं। तो ये कह दिया कि भाई रिएक्ट जेएस का जो यूजर ऑफ हुक है ना, वो वैल्यू को रेफरेंसिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो कि रेंडरिंग के काम नहीं आता। अब भाई रेंडरिंग के काम नहीं आता तो कहाँ आता है, क्योंकि ब्राउजर पर अगर आप देखोगे पूरा तो रेंडरिंग का है। ब्राउजर पे कहीं पर भी है कि भाई नहीं ये पोर्शन है भाई, ये पोर्शन जो है रेंडरिंग में नहीं काम आएगा भाई, ऐसा तो कहीं नहीं है। हर एक पूरा पोर्शन रेंडरिंग रेंडरिंग के काम में आता है। ठीक है, लेकिन दो चीज ऐसा है जो रेंडरिंग के काम में नहीं आता, वहां हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है साफ साफ ना भाई कि दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग। तो रेंडरिंग में नहीं काम आ सकता, तो जहां रेंडरिंग नहीं हो रहा है वहां पे तो हम लोग इसको काम में ला सकते हैं ना, है कि नहीं। तो कहाँ कहाँ रेंडरिंग नहीं होता, चलो दिखाते हैं दो चीज। एक तो देखो ये जो कॉन्सोल है भाई, इसका ये जो ब्राउजर से इसका कोई मतलब, मतलब ये जो ये हो रहा है पेंट हो रहा है, ये जो रेंडर हो रहा है, ये जो अपना डॉक्यूमेंट है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है कॉन्सोल का। ये कॉन्सोल एपीआई अलग ही आता है, आप देखोगे चेक करोगे एमडीएन पे कॉन्सोल एपीआई करके, तो ये जो है ना एपीआई अलग इसका आ रहा है, तो ये अलग चीज है, ऐसा समझ लो। ठीक है, इसका रेंडरिंग से कोई मतलब नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ यहाँ पे जो लिखते हो यहाँ पे भी लिखते हो, है ना। ये तो कॉन्सोल, आप क्या जब आपको कॉन्सोल पे प्रिंट कराना होगा क्या लिखते हो, कॉन्सोल डॉट लॉग, कॉन्सोल एपीआई यूज करते हैं, राइट। तो ये चीज है भाई, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या, ये रेंडरिंग नहीं है। और एक चीज कहाँ यूज कर सकते हैं, अलर्ट। देखो अगर अलर्ट हम हाई लिखते हैं यहाँ ऐसा कुछ, ये रेंडरिंग का पार्ट नहीं है, रेंडरिंग का पार्ट तो ये है, तो इन दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग लगा, इंटरेस्टिंग ना भाई। तो आपको हम रियल चीज बताएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा उसका मतलब, आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो उसका मतलब समझ में नहीं आएगा, हाँ भाई चलो कुछ लिख दिया होगा, होगा कुछ ऐसा, ठीक है ठीक है ऐसा। लेकिन हम जब हर एक वर्ड का, हर एक शब्द का जब डीपली मीनिंग निकालेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दिमाग को स्पेस दो, थोड़ा खाली दो कि छोड़ो, थोड़ा ढीला छोड़ो कि भाई दिमाग को समझने दो खुद ब खुद, फिर 3 बार 4 और 5 बार जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में, अरे भाई इसका मतलब ये था, ठीक है, तब मजा आता है ना। नॉर्मली इसको पढ़ के भाई क्या समझ में आता है, ये तो भाई गुस्सा ही आता है स्टार्टिंग में पढ़ के मेरे को, तो भाई दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग, अरे भाई तुम यूज क्यों करेंगे उसका, समझ में आया थोड़ा रिसर्च करके, दिमाग थोड़ा शांत हुआ, अच्छा दो जगह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो भाई चलो देखते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं तो और मजा आएगा, है ना। तो एक ना काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं,
काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं यहाँ पे, तो देते हैं const काउंटर, अरे भाई मैं यूज स्टेट यूज करने वाला था, काउंटर इक्वल्स टू यूज रेफ हुक देते हैं। अब देखो यूजर हुक के बारे में बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, उसका पैरामीटर, उसका रिटर्न वैल्यू, ये सब सब कुछ भाई बात करेंगे, टेंशन मत लो। अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपको आता है और आप इतना मानो कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने का भाई जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ नहीं समझना है, ऐसा मान लो, क्योंकि इसके बाद सीरीज आएगा ना तो सब समझ जाओगे भाई, टेंशन मत लो। आपको पैरामीटर भी समझ में आएगा, रिटर्न वैल्यू, ये जो पूरा सेक्शन देख रहे हैं ना, पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऊपर से लेकर नीचे तक सारा हम एक्सप्लेन करेंगे, सारा आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अभी के लिए आप मान के चलिए ना, दिमाग को समझा दो कि तुमको भाई आता है समझ में, नहीं तो पता ब्रेन क्या करेंगे, आपको परेशान करता रहेगा, ओवर थिंक, नहीं भाई हमको तो आता नहीं, हम कैसे मान, मान लो ना भाई, मानने में क्या है, ठीक है, तो मान लो तुमको आता है ऐसा मान लो, ठीक है। ये देखो इसका सिंपल ये सिंटैक्स है, रेफरेंस देना है इक्वल्स टू, उसमें यूजर रेफ करके इनिशियल वैल्यू दे देना है, ठीक है। तो हम लोग यूजर रेफ में इनिशियल वैल्यू देते हैं जीरो, ठीक है, टेंशन मत लो, सब कुछ बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। अभी के लिए बस समझो जो चीज़ हम बताने वाले थे, ये जो नॉट नीडेड फॉर रेंटरिंग का जो मसला है उसको समझो, बाकी बाद में समझा जाएगा भाई, टेंशन नहीं है, वीडियोज तो आते रहेंगे इसके बाद, ठीक है। तो एक ना यहाँ पे इसको अपडेट करने के लिए बनाते हैं, तो देखो क्या होता है ना, अभी हल्का हल्का बताते हैं, जैसे बोला ना बाकी वीडियोज अगर डिटेल में समझ जाओगे, टेंशन मत लो। यूजर रेफ ना क्या करता है, रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, जिसमें होता है करंट प्रॉपर्टी, जिसमें इनिशियल वैल्यू ना ये सेट हो जाता है, ठीक है। आप कॉन्सोल लॉग करके देख सकते हो, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपडेट करेंगे, कैसे करेंगे, कॉन्स्ट जैसे देखते हैं इंक्रीज ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको अपडेट करेंगे, तो लिखेंगे काउंटर डॉट करेंट, ठीक है, करेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, तो ऑब्वियसली इस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट होगा, डॉट करेंट लिखेंगे क्योंकि करेंट प्रॉपर्टी में सेट होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इस तरीके से प्लस, या फिर ऐसा करो ना काउंटर डॉट करेंट प्लस वन, ठीक है, ऐसा कर लो। और क्योंकि ये रेंडरिंग का काम में नहीं आता है, ठीक है, तो अगर आप चाहोगे भी तो रेंडर करना, यहाँ पे मैं H2 दे रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं काउंटर दूंगा ना, ठीक है, देखना होगा क्या, ध्यान से समझना, और साथ में मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉग भी कर दे रहा हूँ, नहीं तो देखेंगे कैसे, क्योंकि रेंडरिंग काम नहीं होता। तुम बोलोगे भाई सुब्रत तो तुमने तो रेंडर कर दिया, हाँ कर दिया, अभी बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। और यहाँ पे हम देते हैं काउंटर, ठीक है, इसको सेव करते हैं, ठीक है, इसको एक बार रिलोड करते हैं। ओके 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 भाई, काउंटर लिखने से नहीं होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ना, यूजर रेफ हुक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जिसमें कि करंट प्रॉपर्टी होता है, तो ऑब्जेक्ट रेंडर नहीं हो सकता ना भाई, वैल्यू रेंडर होगा ना, रिएक्ट जेएस का, सॉरी, ये देखो जीरो आया, ठीक है। अब भाई बटन भी तो देना पड़ेगा यार, हाँ बटन जो इसको कॉल करे, जो इंक्रीज हो, ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑन क्लिक देते हैं, और यहाँ पे देते हैं इंक्रीज, ठीक है, फंक्शन वो यहाँ दे दिए भाई, सिंपल है ना। अब देखो इस पर क्लिक करेंगे ना भाई, ध्यान से देखना, इसको जब क्लिक करेंगे ना, ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ भी देखना और यहाँ भी देखना, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, क्लिक किए, देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये देखो बढ़ रहा है कि नहीं भाई, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो क्या होता है ना, हम तो बोल दिए पहले भाई, हम क्या रिएक्ट जेएस बोल दिया तुमको भाई कि दैट्स नॉट नीडेड फॉर रेंडरिंग। अब तुम भाई जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे कि नहीं हम रेंडरिंग करेंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका रूल है कि यूजर जो है फर्स्ट बार जो मतलब दिखता है आपको, फर्स्ट बार उसका वैल्यू रहता है, अगर रेंडरिंग में आप यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट बार जो है ना वैल्यू रहेगा, उसके बाद जो भी आप इसको वैल्यू दोगे ना वो इग्नोर करता जाता है, मतलब अगर इसमें कुछ पास कराया जा रहा है तो ठीक है, वैल्यू तो आप अपडेट कर सकते हो, म्यूचुअल है, ये वैल्यू अपडेट हो सकता है, बट ना अगर आप इसको अपडेट कर रहे हो, एक चीज ध्यान समझना, हम लोग अगर अपडेट कर रहे हैं तो ये रिरेंडर को ट्रिगर नहीं करेगा, रिरेंडर ट्रिगर नहीं करेगा, मतलब ये हुआ कि ये कंपोनेंट रिरेंडर नहीं हो रहा, अगर रिरेंडर होता ना तो भाई ये अपडेटेड वैल्यू दिखता, यहां पर भी होता, ठीक है। और हमको पहले यहाँ बोल दिया गया भाई कि रेंडरिंग के लिए यूज़ नहीं होगा, साफ साफ लिख दिया गया, तो हम लोग कहाँ कॉन्सोल पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको यूज़ करना रियल वर्ल्ड में, मैं बता रहे इसका रियल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, समझ रहे, ये देखो है ना। तो एक तो आपका काउंटर एप्लीकेशन बन गया भाई, इसको इंक्रीज जो करना करो, लेकिन कॉन्सोल पर कुछ भी कर सकते हो इसके थ्रू ट्रिगर करवा के, ठीक है, क्योंकि कॉन्सोल रेंडरिंग का पार्ट नहीं है, इसका तो हिस्सा नहीं है ना भाई, ये तो अलग है कॉन्सोल ही है भाई, यहाँ पे इंक्रीज करो डिक्रीज करो मल्टीप्लाई करो जो मन करे सो करो, ठीक है। तो एक ये हो गया। अच्छा दूसरा ना एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाते हैं भाई, वो ना कहीं हम लिख के भी नहीं रखे थे, मेरे दिमाग में उस समय था, अभी पता नहीं याद है नहीं है, चलो देखते हैं कोशिश करते हैं। वो ऐसा था यहाँ पे ना एक रुक जाओ एक हाँ एक ना एक ऐसा करते हैं कि इसको रुक जाओ यहाँ पे यूजर इफ हुक का हम लोग यूज़ तो करेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे देते हैं जैसे const name reference, ठीक है, और यहाँ पे useRef देते हैं, useRef और वैल्यू देते हैं सिंपल empty string, ठीक है, इस तरीके से, और एक फंक्शन देते हैं const से हेलो, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या करेगा भाई मेरे, ये क्या करेगा, ये ना प्रॉम्प्ट को कॉल करेगा, जो कि विंडो API में ही आता है, जावास्क्रिप्ट API में बहुत सारा होता है ना, कौन से API, ये API, वो API, तो उसी से आता है,
और वो पूछेगा तो लिखते हैं व्हाट इज योर नेम ऐसे, और डिफॉल्ट वालों में हम अपना नाम लिख दे रहे हैं भाई, ठीक है, सुब्रतो विश्वास, हाँ सुब्रतो विश्वास, ठीक है ये हो गया। और जो यूज़र इंटर करेगा ना वो वैल्यू रिटर्न करता है, और नहीं इंटर करेगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसको हम लोग सेट करते हैं किसमें, नेम रेफरेंस, नेम रेफरेंस जो कि ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ये हो गया, और यहाँ पे जो है ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर अपडेट होगा भी तो भाई रेंडर ट्रिगर नहीं करेगा, तो अगर आप यहाँ पर रेंडर भी करेंगे ना तो भी भाई कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, नेम रेफ डॉट करेंट, ठीक है, और ये हो गया। और ये होने के बाद हम लोग कॉन्सोल लॉग कर देंगे, कॉन्सोल लॉग या फिर इसका अलग बटन बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बटन आस्क नेम ऐसा दे देते हैं, और यहाँ पे लगाते हैं ऑन क्लिक, ये हो गया, ठीक है। और एक बटन आते हैं उसमें भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि भाई उसी में नीचे कौन सा लॉक कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नेम थोड़ा सा भाई सिंपल रखते हैं ना, यहाँ पे रखते हैं कॉन्स्ट डिस्प्ले, और यहाँ पे देते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग नेम रेफ डॉट करेंट कर दो, या नेम रेफ भी कर दो, बात बराबर है, कुछ भी करो, ठीक है। ऑन क्लिक देते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको रिलोड करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर डिफॉल्ट दे देते ना, ठीक है, आपको समझाने के लिए दे रहे हैं, ऐसा देना तो नहीं चाहिए था, ठीक है, ताकि आप समझा सकते, नहीं तब बोलोगे कुछ भी नहीं हो रहा है, देखो ऐसे ऐसा है ना, ठीक है। अब आस्क नेम में करते हैं, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट सुब्रतो विश्वास आया, ओके कर दिए तो म्यूटेट हो गया। अब म्यूटेट हुआ तो यहाँ पे देखो सुब्रतो विश्वास नहीं लिखा हुआ रहा है ना, क्यों, क्यों, क्योंकि क्योंकि हम आपको पहले बोल चुके हैं कि भाई अगर आप यूजर एफ के वैल्यू को म्यूटेट करते हो, चेंज करते हो, तो भाई वो रिरेंडर को ट्रिगर नहीं करेगा, यानी कंपोनेंट पे से रिरेंडर नहीं होगा। लेकिन आप बोलोगे भाई हमको क्या पता वो हुआ नहीं हुआ, दिखाते हैं, चलो डिस्प्ले नेम में क्लिक किए, अरे यार कॉन्सोल लॉग क्यों नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ कर दी है भाई, डिस्प्ले कॉन्सोल लॉग सही तो है यार, ओ अरे भाई सॉरी 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 यार, ध्यान नहीं दिए, सॉरी, ऑन क्लिक, ठीक है, ये देखो आया ना करेंट नेम सुब्रतो विश्वास। फिर आस्क नेम करते हैं, अब मान के लिखते हैं यहाँ पे, मान लो कि भाई कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि तूफानी बॉर्डर लिख देते हैं, ठीक है, और ओके करेंगे तो म्यूटेट हो गया, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि भाई आप देखोगे वो जो है रिरेंडर को ट्रिगर नहीं करता। अब डिस्प्ले नेम करते हैं, यहाँ पे तूफानी बॉर्डर आया, ठीक है। अब यहाँ पे जब देख रहे हो ना सुब्रतो विश्वास आया, देखो भाई आप बोलोगे ये देखो ये पार्ट क्या ना, वीट जो है ना इसका भाई हॉट रिलोडिंग का कुछ का पार्ट होगा, एक्चुअल में ये नहीं होगा एक्चुअल में, ठीक है, वो भाई क्योंकि मैंने सेव किया ना उस तरीके से, इसीलिए टेंशन मत लो, वो एक्चुअल में जैसे बोला उसका अगेंस्ट चल गया ना, ऐसा नहीं होगा, वो उसका पार्ट ही नहीं है, जो टर्मिनोलॉजी है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर से ट्राई करके देखते हैं, अगर ओके किए तो क्या सुब्रतो विश्वास आया, नहीं आया, ठीक है। डिस्प्ले नेम करते हैं, यहाँ नहीं आया ना, उस वक्त इसलिए हो गया था क्योंकि ये देखो कुछ स्पेस दिए सेव किया ना, तो ये हॉट रिलोडिंग का पार्ट है, तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा, ठीक है, वो प्रिजर्व रहता हुआ वैल्यू कुछ भी है भाई, मेरे को नहीं पता सच में वो टर्मिनोलॉजी, बट समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में जो है सो है, जो लिखा गया डॉक्यूमेंटेशन वही है, ये अलग से है कि भाई बिहाइंड द फीचर वाला चीज़, जैसे आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से रिएक्ट ऐप बनाते थे ना, पहले क्या होता था कंपोनेंट रिलोड होता था और सारा वैल्यू हट जाता था, अब नहीं होता, अब अगर वीट सब क्रिएट करें ना तो रिलोड कंपोनेंट रिरेंडर होता, जैसे आपने कुछ चेंजेस किया और सेव किया तो वो जो वैल्यू था ना वो रह रहा था, हटता नहीं है, तो भाई वही सब चीज़ है, ठीक है, आप समझ गए होगे आशा करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो म्यूटेट तो हो रहा है भाई, समझ रहे हो, म्यूटेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखे म्यूटेट हो रहा है, अगर डिस्प्ले नेम करेंगे तो सुब्रतो आएगा, फिर से यहाँ लिख देंगे तूफानी कोडर या तूफानी लिख देंगे, और भाई ये करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले करेंगे देखने के बाद तूफानी आएगा। तो दो जगह है जहाँ पे वो रेंडरिंग का जरूरत नहीं पड़ता, एक तो कॉन्सोल हो गया अलर्ट, तो यहाँ सब इसको थोड़ा सा सेट करके समझ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई काम का ये नहीं होगा, इसका यूज़ अगर रियल वर्ल्ड में देखें, मैं बात करता हूँ रियल वर्ल्ड में, तो रियल वर्ल्ड में इसके यूज़ कुछ कैलकुलेशन के लिए, बिहाइंड द सीन चीज़ों के लिए करते हैं, जहाँ पे हमको पता है कि इसको हम रेंडरिंग के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते भाई, लेकिन कुछ और चीज़ों के लिए, कुछ रेयर बहुत रेयर केस में इस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्या, वो आपको आगने वाले वीडियोज़ में समझ में आएगा, कि किसी भी HTML टैग को मैनिपुलेट करने के लिए, डॉम को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी API के साथ, जैसे स्वाइपर JS हो गया, इससे बहुत सारा आता है जिसमें ना डॉम के साथ किसी एलिमेंट को कनेक्ट करना होता है एलिमेंट के साथ, तो हम लोग उसको ऐसे रेफरेंस पास कर देते हैं, ठीक है। वो सब आपको आने वाले वीडियोज़ में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन सा लगेगा, ठीक है, कि भाई ये सब क्या बोल रहा है सुब्रतो, ठीक है, वो सब आपको आने वाले वीडियोज़ में समझ में आ जाएगा। जैसे ये रेफरेंस है, उसको अगर मैं यहाँ पे एज ए रेप प्रॉपर्टी में पास कर दूँ ना, यहाँ पे रेप प्रॉप देके इसका वैल्यू दे दूँ, तो ये टैग को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, फिर इसको हम लोग
मतलब डॉम में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको आने वाले वीडियोस में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बोलने से भाई होता ना, फिर एक दिन में ज़्यादा अनपच टाइप से आपको फील होगा, बहुत खाना खा लिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो भाई फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।